जनपद में ब्लैक फंगस ने दस्तक दी है, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि यह एक तरह का इन्फेक्शन होता है जो कि तीन तरह के होते हैं। पहला ब्लैक फंगस इन्फेक्शन, दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन तथा तीसरा वायरल इन्फेक्शन होता है। सीएमओ ने बताया कि हमारे शरीर में जहां भी नमी पाई जाती है वहां पर इस तरह के इन्फेक्शन पाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि जो कोरोना मरीज लंबे समय वेंटिलेटर पर हैं उनके शरीर में नमी आ जाती है और ब्लैक फंगस डेवलप हो जाता है। उन्होंने बताया कि इसके बचाव के लिए शरीर को नमी से दूर रखना होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, जनपद में ब्लैक फंगस ने दस्तक दी, इसके क्या लक्षण है, क्या बचाव है? ये एक तरह का फंगस है, फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसे तीन तरह के इन्फेक्शन होते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन होता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, एक वायरल इन्फेक्शन होता है। तो फंगस जो है यूजुअली नमी के, जहाँ भी कोई नमी पाई जाती है, जैसे हमारी शरीर में भी, हमारे ग्राइन में, हमारे प्राइवेट पार्ट्स जो ढके रहते हैं और वहाँ पसीने की थोड़ी बहुत नमी पाई जाती है, तो वहाँ इस तरह के इन्फेक्शन डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो माइकोफंगस जो है वेंटिलेटर पर या बाईपैप पर जो हमारे कोरोना पेशेंट हैं, लंबे समय तक इनका इलाज उस पर चल रहा है, तो नमी की वजह से फंगस डेवलप हो जाते हैं जो इसका कारण होता है। तो इससे बचाव के लिए हमें पानी को या नमी को हटाना पड़ेगा, उससे बचाना पड़ेगा। लंबे समय तक कोई भी पेशेंट अगर लेटा हुआ है, उसकी शरीर की इम्यूनिटी कम है और बीमार है, तो फंगस डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं।